नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कैग में निकली बम्पर बहाली, 92,300 रुपये तक होगी सैलरी, जल्द करे आवेदन। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। क्या चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में अफसरों ने की भारी गड़बड़ी, कई लोगों का नाम हटाया, जिला पार्षद को भी कर दिया गायब। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सोमवार से खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, 50% बच्चे और 100% टीचर जाएंगे स्कूल। बिहार में 28 फरवरी तक बढ़ाई गई कोरोना की गाइडलाइन, स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत, अब सिनेमा घरों में बैठ सकेंगे 50% से ज्यादा लोग। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगाएगी नीतीश सरकार, सड़कों के मेंटेनेंस के लिए सेस लगाने की तैयारी। तेजस्वी की मानव श्रृंखला में जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे, बशर्ते मान लिया जाए उनकी शर्त। सरकारी स्कूल में गंदगी देखकर भड़के प्रधान सचिव, बोले कैंपस को नर्क बनाकर रखा है, कभी झाड़ू नहीं लगती है क्या। दिल्ली में धमाका, बिहार में अलर्ट, पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों के एसपी को किया सावधान। पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज, बगैर अनुमति लिए गांधी मैदान में धरने पर बैठे। अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 11,000 पदों से ज्यादा पदों पर बहाली निकाली है। इसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 19 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिटर यानी लेखा परीक्षक के लिए 6,409 पद और अकाउंटेंट यानी लेखाकार के लिए 4,402 पद पर बहाली निकाली गई है। दोनों पदों पर भर्ती के लिए 18 वर्ष की आयु से लेकर 27 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। साथ ही इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री और इसके साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, रांची हाईकोर्ट से सामने आ रही है, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब जमानत याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी। सीबीआई ने कोर्ट से जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट में आधी सजा पूरी करने का दस्तावेज कोर्ट को सौंपा गया था। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने हाईकोर्ट में कागजात जमा किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट लालू प्रसाद से पूछा था कि कैसे आपने 42 महीने 7 दिन की सजा पूरी कर दी है। इसका जवाब लालू प्रसाद के वकील ने दिया है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा है कि जिस मामले में लालू प्रसाद आधी सजा काटने का दावा कर रहे हैं, जमानत मांग रहे हैं, उसमें वह आधी सजा भी पूरी नहीं हुई है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का मामला भी उठाया है और कहा है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं। सीबीआई ने कहा है कि एक तरह के मामले में कई सजा मिलती है तो सभी सजाएं एक साथ चलाने का स्पष्ट होता है, लेकिन लालू प्रसाद मामले में नहीं है। बिहार में मुखिया चुनाव जल्द ही होने वाला है। मुखिया के साथ साथ सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के भी चुनाव होने वाले हैं। भोजपुर जिले में पंचायत चुनाव के लिए तैयार किए गए मतदाता सूची में भारी अनियमितता देखने को मिली है। सैकड़ों मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलुप्त है। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर जिले में वोटर लिस्ट से जिला पार्षद का ही नाम गायब कर दिया गया है। आरा में मतदाता सूची के विखंडन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आया है। कोइलवर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के प्रारूपिक मतदाता सूची के प्रकाशन में वार्ड नंबर 1, 2 व 3 की सूची में भारी अनियमितता के संबंध में ग्रामीणों के द्वारा एक लिखित आवेदन शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी आरा को दिया गया। ग्रामीणों ने अपने आवेदन में यह आरोप लगाया है कि गोपालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में एक वार्ड के 250 से अधिक मतदाताओं के नाम दूसरे वार्ड में शामिल कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमावली के अनुसार पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची में केवल संबंधित वार्ड के लोगों का ही नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 2000 में ही वार्ड का परिसीमन किया गया है, जो वर्तमान में भी मान्य है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल 8 फरवरी यानी कि सोमवार से खोले जाएंगे। सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल 50% छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी, जबकि सभी शिक्षकों को विद्यालय आना अनिवार्य है।
कोरोना वायरस के नए संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट थी, लेकिन अब नए स्ट्रेन से संक्रमित कोरोना मरीजों की तादाद कम होने के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बिहार में गृह विभाग ने कोरोना वायरस की गाइडलाइंस को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। स्विमिंग पूल को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी को बिहार में भी लागू किया गया है। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने केंद्र के ही दिशा निर्देशों को उसी तारीख तक के लिए राज्य में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने इसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है। गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार अब सिनेमा घरों में 50% क्षमता से ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे। इसके साथ साथ स्विमिंग पूल को भी सभी के लिए खोलने की इजाज़त दी गई है, यानी स्विमिंग पूल में अब आम लोग भी जा सकेंगे। पहले से ही हर दिन आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों में नीतीश सरकार अब और इजाफा करने का फैसला करने जा रही है। राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब और इजाफा हो सकता है, क्योंकि सरकार इस पर सेस यानी अधिभार लगाने की तैयारी में है। जी हां, बिहार में सड़कों के निर्माण और उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह अतिरिक्त टैक्स लगने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में राज्य में पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल राज्य के पथ निर्माण विभाग की तरफ से सेस लगाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सरकार इसके लिए द बिहार रोड डेवलपमेंट फंड एक्ट बिल लाने की तैयारी में है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के मुताबिक सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए डेवलपमेंट फंड बनाने के विभाग विचार कर रहा है। किसानों के समर्थन में शनिवार को महागठबंधन ने पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है। राजद ने इसका ऐलान किया था, जिसमें महागठबंधन में शामिल तमाम दलों ने शामिल होने का फैसला किया है। अब जीतन राम मांझी ने भी इस मानव श्रृंखला में शामिल होने की बात कही है, बशर्ते तेजस्वी यादव उनकी एक शर्त मान ले। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन की मानव श्रृंखला को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नौकरी और टिकट के लिए जिन नेताओं ने किसानों से जमीन लिखवाई है, अगर उनसे किसानों की जमीन महागठबंधन के लोग वापस करवा दे तो मैं भी मानव श्रृंखला में शामिल होने पर विचार कर सकता हूँ। घोर कलयुग आ गया है। नौकरी और टिकट के लिए किसानों की जमीन लिखवाने वाले भी किसानों को न्याय दिलवाएंगे। दरअसल इस ट्वीट के जरिए जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जेडीयू बीजेपी के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने लोगों को नौकरी और चुनाव में टिकट देने के लिए जमीन लिखवाई। मांझी कह रहे हैं कि किसानों से नौकरी और टिकट के लिए जमीन लिखवाने वाले मानव श्रृंखला बनाने का ड्रामा कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ राजद ने 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का फैसला लिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ और किसानों के समर्थन में बिहार में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनेगी। राजद ने इसके लिए काफी तैयारी भी की है। राजधानी पटना में एक सरकारी स्कूल में गंदगी का अंबार देखते ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार आग बबूला हो गए। एक कार्यक्रम के सिलसिले में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार वहां की गंदगी देखकर प्रिंसिपल पर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि इतने बड़े परिसर को नरक बनाकर रखा हुआ है, स्कूल परिसर की सफाई क्यों नहीं होती है। दरअसल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार पटना के बांकीपुर स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि स्कूल के बाहरी भाग से लेकर कॉरिडोर और क्लासरूम तक में गंदगी फैली हुई है। उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल को बुलाया और उनसे कहा कि इतने बड़े स्कूल परिसर को नरक बनाकर रखा हुआ है, स्कूल परिसर की सफाई क्यों नहीं होती है। स्कूल कैंपस देखकर नहीं लगता है कि कभी यहाँ झाड़ू लगाई जाती है। राजधानी में शुक्रवार शाम को इजरायली दूतावास से 150 मीटर की दूरी पर हुए धमाके के बाद बिहार में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली में आईईडी धमाके की खबर सामने आते ही बिहार पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से राज्य के सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और रेल एसपी को पत्र लिखकर सावधान किया गया है। आपको बता दें कि इजरायली दूतावास से 150 मीटर की दूरी पर हुए धमाके की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि विस्फोट बोतल के जरिए किया गया है, जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। आनन फानन सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर पहुंची। लुटियंस जोन में आने वाले इस इलाके की घेराबंदी कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पप्पू यादव के खिलाफ पटना जिला प्रशासन ने केस दर्ज कराया है। दरअसल उन्होंने पटना के गांधी मैदान में धरना दिया था, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में पप्पू ने इस धरने के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी। इसी मामले में पप्पू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पप्पू यादव के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मजिस्ट्रेट की तरफ से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि गांधी मैदान सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए खोला जाता है, लेकिन इसी बीच पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गए थे। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।